हेलो एवरीवन, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का लोगे क्लासेस के बीए प्लेटफॉर्म पर। बीए थर्ड ईयर के अंतर्गत राजनीति विज्ञान के सेशन में भारतीय विदेश नीति पर हमारा सेशन चल रहा था, जिसके अंतर्गत दोस्तों हम पर्यावरण पर अध्ययन कर रहे थे। इसी सेशन को, अर्थात ये कि पर्यावरण पर जो होने वाला सेशन है, उसका सेकेंड भाग हम अब लेकर आए हैं, जिसके अंतर्गत आज हम विश्व के द्वारा पर्यावरण संरक्षण के लिए किए जा रहे विभिन्न प्रयासों के तहत अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों पर बात करेंगे। देखेंगे कि कौन कौन सा सम्मेलन पर्यावरण के संरक्षण के लिए कब कब हुआ था और उसका क्या क्या प्रभाव है, उसमें क्या क्या प्रावधान किए गए थे। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं दोस्तों। और आज का हमारा सेशन ये 26वां होने जा रहा है, 26वां सेशन ये होने जा रहा है। इससे पहले 25 सेशन इस पर हो चुके हैं। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं दोस्तों। इसके अलावा जो भी कोई दोस्त कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, एक छोटा सा अनाउंसमेंट है। प्रत्येक लेक्चर में हम बताते भी है वैसे, वो प्रज्ञान हिंदी जीके को ज्वाइन कर सके और विद नोट्स हमारे साथ में कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं दोस्तों आज के सेशन की। आप सभी को पता है कि ये यूनिट 5 का थर्ड टॉपिक होने जा रहा है। यूनिट 5 का थर्ड टॉपिक पर हमारा डिस्कशन चल रहा था। मैं फिर से एक बार इस लेक्चर को शुरू करने से पहले बता दूं कि अगर आप डायरेक्टली इसी ही टॉपिक पर आए हैं, तो दोस्तों मैं आपसे निवेदन करूंगा कि इससे पहले इसका जो प्रथम भाग जो पहले हो चुका है पर्यावरण की बेसिक तथ्यों को लेकर के, पहले उसे देखेंगे, तभी आज का ये सेशन आपको कंप्लीटली समझ आने वाला है। अगर डायरेक्टली आप इसी भाग पर मूव करें हैं दोस्तों, तो कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत कन्फ्यूजन आपके माइंड में रह जाएगी। इसलिए मेरा विशेष आपसे आग्रह है कि पहले डिस्क्रिप्शन में जाकर के, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए और उसमें फर्स्ट भाग की लिंक आपको मिल जाएगी, उसको जरूर स्टार्ट कर ले, उसे पहले देख ले, उसके बाद ही इस सेकेंड भाग को देखे। चलिए दोस्तों शुरू करेंगे हमारा आज का सेशन। और आज के सेशन में हम सबसे पहले जो बात करने वाले हैं, उसमें करेंगे दोस्तों हम बात के अंतर्गत हमारा, एक मिनट दोस्तों, कुछ मिस आउट हो रहा है। ठीक है, स्लाइड जो है आगे पीछे हो चुकी है, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। पहले इसको समझ लीजिए, आज का जो हमारा सारांश है, सारांश के अंतर्गत दोस्तों 5 विभिन्न प्रकार के जितने सम्मेलन हुए हैं विश्व पर्यटल पर, पर्यावरण के संरक्षण के लिए हम उन पर डिस्कस करने वाले हैं। 5 विभिन्न जो हमारे सम्मेलन थे उन पर, ठीक है, पांचों सम्मेलनों का महत्व हम जानेंगे, कब कब हुए थे, कहाँ हुए थे, उन पर भी हमारी एक चर्चा होगी। ठीक है, और मैं आपको फिर से बता दूं दोस्तों, जो स्लाइड में मैं आपको डाटा प्रोवाइड करता हूँ, ये आपके जो है बीए की एग्जाम के लिए सफिशेंट है। इसके अलावा जो हमारे लेक्चर है, वो बीए के साथ ही साथ में प्रत्येक कॉम्पिटेटिव एग्जाम तक के लिए दोस्तों, ये प्रत्येक कॉम्पिटेटिव एग्जाम वाले स्टूडेंट भी इसको फॉलो कर सकते हैं, उनके लिए भी ये लेक्चर उपयोगी सिद्ध होगा। क्योंकि स्लाइड में डाटा आपको बीए के एग्जाम के अंतर्गत, बीए के एग्जाम के दृष्टिकोण में रखते हुए दिया गया है, परंतु जिस जो हम एक्सप्लेन करते हैं, उस एक्सप्लेन करने में हम किसी सीमाओं से बंधे हुए नहीं है। जितना आवश्यक होता है समझाने के लिए, जितने आवश्यक तथ्य होते हैं समझाने के, वो सभी आपको प्रोवाइड किया जाता है। चलिए एक एक करके दोस्तों शुरू करेंगे। सबसे पहला जो हमारा सम्मेलन है, सबसे पहला जो सम्मेलन हुआ था, इम्पोर्टेंट, देखिए ऐसे तो कई बैठकें हुई है पर्यावरण के संरक्षण को लेकर, पर्यावरण पर चिंता जताने के लिए। जब भी कोई शिखर वार्ता होती है दो देशों के बीच में, तब भी पर्यावरण पर विभिन्न प्रकार का की बातचीत अर्थात वार्तालाप होता है, परंतु हम उसको सम्मेलन ना कहेंगे, सम्मेलन नहीं कहेंगे, बल्कि दो देशों के बीच में होने वाली शिखर वार्ता कहेंगे। लेकिन हम आज यहाँ बात करने वाले हैं अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों की, जिसमें विश्व के कई सारे देश, लगभग 100 या 100 से अधिक देश शामिल होते हैं, वो सभी देशों के साथ मिल करके डिस्कशन होता है। ठीक है, तो इस प्रकार के सम्मेलनों पर हम बात करेंगे। और उन्हीं सम्मेलनों के अंतर्गत एक सम्मेलन है दोस्तों, मानवीय पर्यावरण पर होने वाला पर्यावरण संरक्षण के लिए सम्मेलन। किस पर? मानवीय पर्यावरण पर, मानवीय पर्यावरण पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, या मानवीय पर्यावरण पर पर्यावरणीय सम्मेलन 1972। ठीक है, कहां पर हुआ था? स्टॉकहोम में हुआ था। तो इस सम्मेलन के अंतर्गत दोस्तों हम 6 विभिन्न बिंदु देखेंगे, 6 पॉइंट देखेंगे, और इनके माध्यम से हम इस सम्मेलन के महत्व को समझने का प्रयास करेंगे। चलिए एंट्री करते हैं, शुरुआत करते हैं अपने सेशन की, एक एक पॉइंट करके इनको क्लियर करते हैं दोस्तों। चलिए आ जाइए, सबसे पहले हम बात कर रहे हैं मानवीय पर्यावरण पर
1972 में 1972 में जो स्टॉकहोम में सम्मेलन हुआ था उस स्टॉकहोम सम्मेलन के बारे में। तो दोस्तों संयुक्त राष्ट्र को आप अच्छे से जानते हैं, यूएन को, यूनाइटेड नेशंस को जानते हैं। तो यूनाइटेड नेशंस के द्वारा ही मानवीय पर्यावरण पर स्टॉकहोम में 5 से 16 जून 1972 तक ये सम्मेलन चला और ये मानवीय पर्यावरण और संरक्षण, पर्यावरण पर संरक्षण और नियंत्रण के दृष्टिकोण से ये सबसे बड़ा प्रथम तो था ही प्रथम और सबसे बड़ा प्रयास था। किसके लिए? पर्यावरण के संरक्षण के लिए, अंतरराष्ट्रीय देशों के द्वारा उठाया जाने वाला प्रथम कदम था और सबसे बड़ा प्रयास था ये पर्यावरण के संरक्षण के लिए। ठीक है, चलिए तो कुछ बिंदु जो हमने देखे थे, लगभग 6-7 बिंदु हम इसके अंदर डिस्कस करने वाले, जिसके अंतर्गत पहला मानवीय पर्यावरण पर घोषणा। तो मानवीय पर्यावरण पर घोषणा जब ये स्टॉकहोम में 1972 में जो ये बैठक हुई मानवीय पर्यावरण पर, इस बैठक में एक घोषणा पत्र जारी किया गया। उस घोषणा पत्र में 7 विभिन्न तथ्य जो पर्यावरण के संरक्षण से जुड़े हुए थे, जिनकी सावधानियां प्रत्येक सदस्य देश को रखनी थी, इस प्रकार के 7 विशेष तथ्य देते हुए 26 सिद्धांत प्रतिपादित किए गए थे। कितने सिद्धांत दोस्तों? 26 प्रमुख सिद्धांत प्रतिपादित किए गए थे और ये प्रत्येक सिद्धांत पर्यावरण के संरक्षण से संबंधित था। क्लियर है? चलिए इसके बाद में इसकी अन्य जो विशेषता रही है दोस्तों, वो रही है मानवीय पर्यावरण के लिए कार्य योजना। तो मानवीय पर्यावरण के लिए कार्य योजना का अर्थ ये हुआ कि विश्व संगठन के माध्यम से विश्व के विभिन्न देशों के द्वारा जो ये सम्मेलन हुआ या जो मीटिंग हुई है, इस मीटिंग में एक और ये निष्कर्ष निकाला गया, या कहें कि एक और ये घोषणा के अंतर्गत ही एक कार्य दिया गया प्रत्येक राष्ट्र को कि प्रत्येक स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर, क्षेत्रीय स्तर पर, अर्थात प्रत्येक स्तर पर पर्यावरण के संरक्षण के लिए पर्यावरण से संबंधित कुछ प्रोग्रामों का निर्धारण किया जाए, जिस प्रोग्रामों के माध्यम से पर्यावरण प्रदूषण को कम किया जा सके। इसके अलावा पर्यावरण प्रबंधन का काम भी किया जाए। दो प्रकार के विशेष कार्य हो सकते हैं दोस्तों। एक होता है पर्यावरण से संबंधित प्रोग्राम लॉन्च करना, है ना, जिन प्रोग्रामों के माध्यम से प्रदूषण को हम रोक सकते हैं, जनता को अवेयर कर सकते हैं। इसके अलावा एक होता है कि इस प्रकार के जो प्रदूषण फैल रहा है, कितना प्रदूषण है, किस प्रकार रोका जाना चाहिए, जो प्रोग्राम हमने राष्ट्रीय स्तर पर या क्षेत्रीय स्तर पर लागू किए हैं, क्या वो प्रोग्राम अपना कार्य कंटिन्यूसली कर पा रहे हैं, इस पर विशेष ध्यान देना, अर्थात उन सबका प्रबंधन करना, ये भी विशेष दायित्व होता है उनका। तो ये इनका ध्यान रखते हुए अंतरराष्ट्रीय कार्यों को, अर्थात निर्धारण, प्रोग्रामों का निर्धारण और प्रोग्रामों का प्रबंधन, इनको राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कार्यों को सहायता पहुंचाने वाले अंतर्राष्ट्रीय उपायों की भी घोषणा की गई। ठीक है, किसके अंतर्गत की गई थी ये? मानवीय पर्यावरण पर होने वाले स्टॉकहोम में जो 1972 को सम्मेलन हुआ था, इसके अंतर्गत। ठीक, इसके अलावा वित्तीय व्यवस्थाओं पर प्रस्ताव भी इसमें पेश किया गया। अर्थात देखिए, विभिन्न घोषणाओं की हमने बात की थी, इन घोषणाओं के अंतर्गत ही कुछ प्रस्ताव पारित हुए थे। इन प्रस्तावों में एक अन्य प्रस्ताव ये भी था कि हमने ये तो डिसाइड कर लिया है कि पर्यावरण को हम संरक्षण प्रदान करेंगे, लेकिन इसमें, इन सब में जो भी हमारा जो खर्चा होगा, एक्सपेंस होगा, उसको कैसे मैनेज किया जाए। तो उस मैनेजमेंट के लिए भी एक प्रस्ताव पारित किया, जिसके अंतर्गत दोस्तों तीन विशेष आयोगों की स्थापना करने का प्रस्ताव पारित हुआ, जिसमें पर्यावरण सचिवालय की स्थापना की जाए। प्रत्येक राष्ट्र में एक पर्यावरण सचिवालय हो, सिर्फ राष्ट्र में नहीं बल्कि जो यूनाइटेड नेशन है, जो पूरे विश्व का प्रतिनिधित्व कर रहा है, उसमें भी एक पर्यावरण सचिवालय होगा, पर्यावरण कोष होगा और पर्यावरण संबंधी निकाय भी होंगे। तो अलग अलग विभाग होंगे, कोष होगा और सचिवालय भी होगा, और यही फॉर्मेट प्रत्येक देश के द्वारा अपनाया जाना चाहिए। ठीक है, इसके बाद में अगर हम बात करें दोस्तों, विश्व पर्यावरण दिवस की घोषणा पर प्रस्ताव। विश्व पर्यावरण
दिवस की घोषणा पर प्रस्ताव, तो विश्व पर्यावरण की घोषणा, विश्व पर्यावरण दिवस की घोषणा भी इसी के अंतर्गत हुई थी, जिसको आज हम दोस्तों 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाते हैं। उस पर्यावरण दिवस की घोषणा इसी ही अर्थात मानवीय पर्यावरण पर होने वाले इस सम्मेलन के अंतर्गत ही की गई थी, ठीक है, एक प्रस्ताव के रूप में। नेक्स्ट है आणविक शस्त्रों के परीक्षण पर प्रस्ताव, तो इसके अंतर्गत, इस सम्मेलन के अंतर्गत ही जो आणविक परीक्षण के, आणविक अर्थात परमाणु हथियार हैं उनके परीक्षण की निंदा की गई थी, और कहा गया था सम्मेलन में कि कोई भी देश परमाणु परीक्षण ना करे या ऐसे कोई भी परीक्षण से बचे जिनसे पर्यावरण प्रदूषण फैलता है, ठीक है। इसके अलावा बात हुई द्वितीय सम्मेलन बुलाने पर कि अब जो ये बैठक हुई है 1972 में, इसके अलावा जो अगला सम्मेलन होगा वो कब होगा इस पर भी प्रस्ताव पारित किया गया। इस प्रस्ताव के तहत ही स्टॉकहोम सम्मेलन में इस प्रस्ताव को संस्तुति दी गई कि संयुक्त राष्ट्र महासभा पहल करके मानवीय पर्यावरण पर द्वितीय सम्मेलन उपयुक्त समय पर बुलाए जाने का निर्णय ले। कौन लेगा ये? महासभा, संयुक्त राष्ट्र की महासभा है ना, यूनाइटेड नेशन की जो महासभा है वो इसका निर्णय करेगी कि अगला सम्मेलन पर्यावरण पर कब बुलाया जाना चाहिए। क्लियर है? चलिए इसके बाद में अगर बात करें, ओके, इसके अलावा दोस्तों, इसके अलावा फिर नेक्स्ट जो सम्मेलन होता है वो इसके अर्थात कि मानवीय पर्यावरण पर जो 1972 में सम्मेलन हुआ था उसके ठीक 10 साल बाद एक अन्य सम्मेलन होता है, या हम ऐसा कह सकते हैं कि मानवीय पर्यावरण पर होने वाला सम्मेलन की 10वीं वर्षगांठ मनाने के लिए 150 देश नैरोबी में 1982 को एकत्रित हुए। कहाँ पर? नैरोबी में 150 देश शामिल हुए, एकत्रित हुए, काहे के लिए हुए थे दोस्तों? मानवीय पर्यावरण पर 1972 में जो सम्मेलन हुआ था उसकी 10वीं वर्षगांठ मनाने के लिए, ठीक है। उन्होंने एक विशेष घोषणा पत्र को स्वीकार किया इस बैठक के दौरान। 1972 में नैरोबी में जो बैठक हुई उस बैठक के दौरान एक नए घोषणा पत्र को स्वीकार किया जिसको नैरोबी घोषणा पत्र के नाम से जाना गया। सम्मेलन के दौरान कई प्रस्ताव पारित किए गए। उन प्रस्तावों में कहा गया कि नैरोबी घोषणा पत्र में अभी कथित है कि स्टॉकहोम घोषणा मतलब मानवीय पर्यावरण पर होने वाला जो घोषणा पत्र था उसमें जितने सिद्धांत प्रतिपादित हुए थे या जिस स्पीड से या जितने प्रभावपूर्ण तरीके से वो सिद्धांत कार्य कर रहे थे वो आज भी उतने ही प्रभावशाली है जितने 1972 में थे। तो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर विश्व पर्यावरण संरक्षण एवं मानव विकास के लिए कुछ अन्य समय अभी समय तथा चार्टर भी प्रावधानिक किए गए, कुछ चार्टरों को भी अपनाया गया। अब इसके आगे बढ़ते हैं दोस्तों, फिर 10 साल बाद, तो 10 साल के गैप में ये तीन सम्मेलन हुए थे। सबसे पहला सम्मेलन कौन सा हुआ था दोस्तों? सबसे पहले अगर सम्मेलन की हम बात करें, सबसे पहले सम्मेलन मानवीय पर्यावरण पर हुआ था 1972 में स्टॉकहोम में। उसके बाद में सम्मेलन हुआ, उसके बाद में नैरोबी में हुआ था पर्यावरण सम्मेलन नैरोबी में हुआ था 1982 में, ठीक 10 साल के बाद में। और इसके भी 10 साल के बाद में फिर एक और जबरदस्त सम्मेलन होता है दोस्तों, विश्व के इतिहास में सबसे बड़ा सम्मेलन होता है, और सबसे बड़े निर्णय भी दोस्तों इसी सम्मेलन में लिए गए थे, और इस सम्मेलन को जाना जाता है पृथ्वी शिखर सम्मेलन के नाम से। किस नाम से? पृथ्वी शिखर सम्मेलन 1992 के नाम से। और ये सम्मेलन हुआ कहाँ पर था? तो ये हुआ था दोस्तों ब्राजील की राजधानी रियो डी जेनेरियो में। रियो, देखिए कहीं पर जेनेरो मिलेगा, कहीं पर जेनेरियो मिलेगा, दोनों में कंफ्यूज होने की आपको आवश्यकता नहीं है। तो ब्राजील की राजधानी है रियो डी जेनेरियो। इसमें 3 जून 1992 को यह सम्मेलन हुआ था। इस शिखर सम्मेलन में अद्वितीय और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के इतिहास में सबसे बड़ा सम्मेलन था ये, जिसमें 182 देशों ने, या कहें कि 182 देशों के 20,000 से अधिक प्रतिनिधियों ने इसमें भाग लिया था। इसी कारण से इस सम्मेलन को विश्व का अभी तक का पर्यावरण पर होने वाले सम्मेलनों में सबसे बड़ा सम्मेलन कहा गया, सबसे बड़ा सम्मेलन कहा गया, और बहुत महत्वपूर्ण निर्णय इस सम्मेलन के अंतर्गत हुए थे। पृथ्वी शिखर सम्मेलन के सम्मुख कुछ विषय जैसे
पृथ्वी हमारा एकमात्र ग्रह है तथा इसका भाग्य हमारे हाथ में है। जी हाँ, पृथ्वी एकमात्र ग्रह है जहां पर जीवन संभव हो सका है, और इस ग्रह का भविष्य भी हमारे हाथ में है। मनुष्य जाति अपने एकमात्र ग्रह की दुर्दशा कर रही है। मनुष्य जाति अपने इसी ग्रह की, इसी एकमात्र ग्रह की जो है दुर्दशा कर रही है। लगभग 50,000 जातियां हर वर्ष लुप्त हो रही है। 1,70,00,000 हेक्टेयर जंगल प्रति वर्ष समाप्त हो रहे हैं। इसके अलावा करीब 65 लाख टन कूड़ा हर साल समुद्र में पहुंच रहा है। 8.2 बिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड हर वर्ष वातावरण को दूषित कर रही है। विश्व की जनसंख्या में हर वर्ष 10 करोड़ की वृद्धि, 10 करोड़ या 10 करोड़ से अधिक की वृद्धि हो रही है। मानव विकास और पर्यावरण संबंधित रियो सम्मेलन के सिद्धांतों से ये निष्कर्ष निकलते हैं कि इसमें जो अभी समय या जो नियम, जो सिद्धांत अपनाए गए, उससे ये स्पष्ट हो गया कि पर्यावरण के संबंध में अब न केवल कुछ अंतरराष्ट्रीय नियम है, बल्कि अंतरराष्ट्रीय पर्यावरण एक विधि की भी एक आवश्यकता है, और इस प्रणाली को इसी सम्मेलन में अपना गया। मतलब ये कि पर्यावरण पर सिर्फ अब कुछ नियम ही कार्य करने के लिए प्रभावी नहीं होंगे, बल्कि इसके लिए अब एक एक विधि की आवश्यकता है, एक विधि की आवश्यकता है जो कि प्रतिबंधित करके राष्ट्रों से पर्यावरण संरक्षण के लिए कार्य कार्य करे या कार्यों की पहल कराए। तो इस सब दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो इन सभी सम्मेलनों में सबसे प्रमुख सम्मेलन था पृथ्वी शिखर सम्मेलन, जो 1992 में हुआ था। तो बताइए दोस्तों मुझे, क्या तीनों सम्मेलन अब आपको अच्छे से याद हो चुके हैं? कौन कौन से सम्मेलन कहाँ कहाँ पर कब कब हुए थे, क्लियर है ना? चलिए अब इसके बाद में दोस्तों कहानी कुछ पलटती है, और अब इसके जस्ट 5 साल बाद फिर से एक नई बैठक होती है। लेकिन ये बैठक होती है दोस्तों फिर से कहाँ पर? क्योटो में होती है। क्योटो में होती है, जापान के क्योटो में एक नई बैठक होती है। तो आइए जरा इसको स्लाइड को पढ़ते हुए, इसका व्यवहारिक अध्ययन करते हुए चलते हैं, जिससे कि हमें ज्यादा समय ना देना पड़े। 1992 के पृथ्वी शिखर सम्मेलन में जलवायु परिवर्तन पर एक अभिसमय किया गया था, या कहें कि एक सिद्धांत या एक विधि के रूप में सिद्धांत पारित किया गया था, जिसमें कुछ गैसों को प्रदूषित अर्थात पर्यावरण को अत्यधिक मात्रा में दूषित करने वाले गैसें कहा गया था, और उन गैसों को प्रतिबंधित करने की पहल की गई थी। किसमें? पृथ्वी शिखर सम्मेलन में। और वो गैसें कौन कौन सी थी दोस्तों? तो वो निबस ऑक्साइड, मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, कार्बन डाइऑक्साइड या कुछ और जहरीली गैसें, कुछ गैसों को यहाँ पर प्रतिबंधित किया गया था, जिनके विसर्जन से हरित गृह प्रभाव की समस्या आ रही थी, जिनके उत्सर्जन से हरित गृह प्रभाव की समस्या आ रही थी, पृथ्वी की उष्णता बढ़ती ही जा रही थी, जिनके विसर्जन में अर्थात उनके उत्सर्जन में कमी करके, वो कमी करके इस उद्देश्य को 1997 को एक सम्मेलन क्योटो में बुलाया गया था। तो इसी उद्देश्य से बुलाया गया था। इस बार इसको एक बार फिर सुनिए, पृथ्वी शिखर सम्मेलन जो 1992 में हुआ था, उस सम्मेलन में कुछ सिद्धांतों के माध्यम से या कुछ प्रस्ताव के माध्यम से कुछ गैसों को प्रदूषित बताते हुए या हमारे पर्यावरण के लिए सबसे दूषित गैसें बताते हुए उनको प्रतिबंधित किया गया। उन्हीं गैसों में कहा गया था कि इन गैसों के उत्सर्जन के कारण पर्यावरण अत्यधिक मात्रा में दूषित हो रहा है, जिसके कारण हरित गृह प्रभाव की समस्या प्रभावी होती जा रही है। इसी समस्या पर डिस्कस करने के लिए क्योटो में 1 दिसंबर 1997 को, 1997 को एक सम्मेलन होता है जिसमें लगभग 150 देश शामिल होते हैं, 150 देश शामिल होते हैं। 11 दिन तक ये सम्मेलन चलता है। 11 दिनों के अथक प्रयासों के बाद सम्मेलन में कुछ ठोस निर्णय लिए गए। सम्मेलन के अंतर्गत ये निर्णय लिया गया कि 1990 को आधार वर्ष मानकर, किसको? 1990 को आधार वर्ष मानकर हरित गृह गैसों के, जो गैसों को दूषित कहा गया है, जिन गैसों को पर्यावरण के लिए खतरनाक बताया गया है, उनके उत्सर्जन में कमी की जाए। तो इसी सम्मेलन में ये निर्णय लिया गया था, क्योटो वाले सम्मेलन में, कि पृथ्वी शिखर सम्मेलन में जिन गैसों को दूषित कहा गया है, जिन गैसों को प्रतिबंधित किया गया है, उन गैसों के उत्सर्जन में कमी की जाए। तो इस पर घोषणा होने के तुरंत बाद ही कुछ देशों ने
अपनी 1990 को आधार मानकर, 1990 को आधार मान करके और इन गैसों के उत्सर्जन में कमी की घोषणा कर दी थी। अब समझ दोस्तों, इस आधार वाले शब्द से आप कंफ्यूज ना हो। देखिए, अगर हम कहें, जैसे मान लेते हैं दोस्तों, कोई भी एक एग्जांपल ले लीजिए कि जैसे मान ले कि भारत है, अगर भारत भारत 40% गैसों का उत्सर्जन कर रहा है, 40% गैस उत्सर्जित कर रहा है, ठीक है। अब अगर भारत से कहा जाए कि आप 10% गैसों का उत्सर्जन कम कीजिए, 10% गैसों का उत्सर्जन कम कीजिए, या फिर कि आप जो है इसका एक आधार वर्ष चुनिए, तो अब एक ऐसा वर्ष चुनना पड़ेगा, एक ऐसा वर्ष निर्धारित करना पड़ेगा, उसको आधार मानकर ही हम जो है उत्सर्जन की मात्रा कम या ज्यादा कर सकते हैं। तो इसी प्रकार से क्योटो में जो सम्मेलन हुआ था, उस सम्मेलन में 1990 के वर्ष को आधार वर्ष माना गया, अर्थात ये कि 1990 में इन गैसों का उत्सर्जन जितना था उससे कितना अधिक हो रहा है, तो कितना कम करना है। तो जब भी हम बात करेंगे कि हम 10% गैसों का उत्सर्जन अधिक कर रहे हैं, तो किस आधार पर कर रहे हैं, तो 1990 के आधार पर। 1990 में हम 5% करते थे और आज हम 15% कर रहे हैं, तो कितना ज्यादा हुआ दोस्तों, 10% ज्यादा हुआ। इस प्रकार से तो 1990 को आधार वर्ष मान करके कुछ देशों ने इन गैसों को प्रतिबंधित या रोकने के लिए जो है अपनी घोषणाएं की। इस घोषणाओं के अंतर्गत ही यूरोपीय संघ ने, अर्थात पूरे यूरोप के जितने देश है वहां पर एक यूरोपीय संघ बनाया गया है, तो उस यूरोपीय संघ ने 8% गैसों के कमी की घोषणा की। अमेरिका ने 7% की घोषणा की कि 7% प्रदूषण की कमी की जाएगी। वहीं जापान ने 6% की कमी की घोषणा की। ये तुरंत बात की जाने वाली घोषणा है। इसके बाद में विभिन्न देशों ने अपनी अपनी क्षमता के अनुसार घोषणाएं की, ठीक है। और एक बात आप विशेष करके कोट कर लीजिए, ये घोषणा करना इतना आसान शब्द नहीं है दोस्तों। अगर आप गैसों के उत्सर्जन में कमी करेंगे तो आपका औद्योगिक क्षेत्र में आप पिछड़ जाएंगे, क्योंकि तो आज जो उद्योग चल रहे हैं वो कहीं ना कहीं गैसों से प्रभावित अवश्य होंगे, ठीक है ना। तो आप अपने देश की अर्थव्यवस्था के साथ साथ में अर्थव्यवस्था को भी एक तरफ देखना होगा आपको, और साथ ही साथ में पर्यावरण को भी देखना होगा। तो उस परिप्रेक्ष्य में ये देश कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि ये पहले से विकसित देश है। ये थोड़ी बहुत कमी करेंगे तो इनको फर्क नहीं पड़ने वाला, परंतु जो आज देश जो अर्ध विकसित है, जो गरीब देश है अर्ध विकसित है, या विकासशील देश है जो विकास अभी करना सीखा है, अभी अभी अपने पैरों पर खड़ा होकर चलना सीखा है, अगर उसको कहेंगे कि आप दौड़ मत लगाइए, तो बताइए दोस्तों वो कब तक चल पाएगा, है ना। या फिर जीवन पर्यंत वो सिर्फ चलते ही रहेगा लंगड़ाते हुए, कभी रनिंग नहीं कर पाएगा, दौड़ नहीं पाएगा, है ना। तो इस प्रकार के यहाँ पर भी कुछ ऐसी योजनाएं होनी चाहिए थी कि जो जो अभी देश अभी अभी चलना सीखा है, अपने अर्थव्यवस्था के पैरों पर खड़ा होना सीखा है, उसे कुछ समय दिया जाए, कुछ समय दिया जाए ताकि वो अपने आप में पहले विकसित तो हो, अपनी जो समस्या है आर्थिक क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में, या विभिन्न क्षेत्रों में जितनी भी समस्या है उन समस्या को खत्म करके पहले वो अच्छे से अपना जीवन यापन तो करना सीख ले। उसके बाद पर उस पर प्रतिबंध लगाइए, उसके बाद कहिए कि आप पर्यावरण को दूषित ना करें, आप फलाना ढिमका जो भी है ना भाई। अल्प विकसित देश किसी भी रूप से दोस्तों अत्यधिक मात्रा में पर्यावरण को प्रदूषित नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता, क्योंकि पर्यावरण को दूषित करने वाले जिन गैसों के पर की हम बात कर रहे हैं, वो गैसें विशेषकर उद्योगों से निकलती है, उद्योगों से निकलती है, और ये उद्योग अधिकतर उद्योग कहाँ पर होते हैं, विकसित राष्ट्रों में ही अत्यधिक उद्योग पाए जाते हैं, क्लियर है ना। इस प्रकार से दोस्तों तो ये 4 सम्मेलन हमारे यहाँ पर इसमें हो चुके हैं जो कि इससे संबंधित थे। इसके बाद में हम लास्ट पर बात कर रहे हैं क्योटो प्रोटोकॉल पर। क्योटो प्रोटोकॉल भी दोस्तों एक विशेष तरह का सम्मेलन था, जिसके अंतर्गत भी ग्लोबल वार्मिंग पर बात की गई थी। अब जरा आइए देखिए कि 2005 में, एक बार स्लाइड को पढ़ लीजिए, आपको पूरा मैटर यही क्लियर हो जाएगा। इन सभी सम्मेलनों को आप डेट वाइज याद करेंगे बहुत जल्दी याद होगा, और बस विशेष करके ये ध्यान रखें कि कौन सा सम्मेलन किस कारण से हुआ था, तो अपने आप आपको ये सारे फैक्ट अपने आप याद हो जाएंगे, ठीक है। 2005 में ग्लोबल वार्मिंग का मुकाबला करने के लिए, 2005 में ग्लोबल वार्मिंग का मुकाबला करने के लिए दुनिया के 141 देशों के बीच में फिर से एक बैठक होती है, और ये बैठक होती है दोस्तों वही क्योटो में जो समझौता हुआ था वो समझौता बरसों से टाला जा रहा था। किस पर? पर्यावरण प्रदूषण को रोकने के लिए,
पर्यावरण प्रदूषण को रोकने के लिए विभिन्न प्रकार की गैसों का उत्सर्जन भी कम किया जाए या विभिन्न प्रकार के विशेष कदम उठा जाए पर्यावरण संरक्षण के लिए। इसको लेकर के क्योटो में जितने भी समझौते हुए थे उन समझौतों को कई सालों से टाला जा रहा था, लेकिन अंततः 2005 आते आते अंततः 2005 आते आते ये समझौता लागू हो गया। कौन सा समझौता दोस्तों? जो हमने अभी लास्ट स्लाइड में क्योटो समझौता पढ़ा है ना, क्योटो वाला सम्मेलन, क्योटो में जो सम्मेलन हुआ उसको पढ़ा है ना, उसमें जो गैसों का जो निर्णय लिया गया था, जो घोषणा हुई थी उन गैसों के नियंत्रण पर ही, अब यहाँ पर समझौता, वो जो समझौता लास्ट टाइम लास्ट सम्मेलन में हुआ था उस समझौते को अब 2005 में लागू कर दिया। कहाँ पर किया था? क्योटो, जिसे किस नाम से जानते हैं दोस्तों? क्योटो प्रोटोकॉल के नाम से, क्योटो प्रोटोकॉल। क्लियर है? विशेष नाम याद रखिए आप, क्योटो प्रोटोकॉल किसके लिए होता? क्योटो में जो समझौता हुआ था गैसों के नियंत्रण के लिए, उस समझौते को लागू करने के लिए क्योटो प्रोटोकॉल में एक बैठक हुई, क्योटो प्रोटोकॉल जिस नाम से जानी जाती है वो। ठीक है, इस बैठक में या कहें कि इसका 53 बड़े औद्योगिक देशों ने तो समर्थन किया, कितने? 53 देशों ने, जो कि विकसित और औद्योगिक देश है, उन्होंने इसका समर्थन किया, परंतु अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया ने इसका विरोध किया। अब भाई इसके पीछे इनके विरोध करने का कारण क्या था? इन्होंने समर्थन नहीं किया इसका, अर्थात इन्होंने इस सम्मेलन को बीच में छोड़कर भाग गए लोग। तो कारण क्या था इसका? तो वो कारण ये था कि आप देखिए, विश्व में, पूरे विश्व में जितना प्रदूषण फैलाया गया है, या पर ऐसे समझिए कि मान लेते हैं कि पूरी दुनिया के सभी देशों के द्वारा मिलकर 100% प्रदूषण फैल रहा है, तो उस 100% में से 25% से भी ज्यादा प्रदूषण अकेले अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के द्वारा फैलाया जा रहा है। समझिए कहानी को, 100% जितना पूरी दुनिया मिलाकर जितना प्रदूषण फैलाती है ना, उसका 25% प्रदूषण अकेले अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया फैला रहा है। इसी कारण से उन्होंने इस पर साइन करने से स्पष्ट इनकार इनकार कर दिया, स्पष्ट इनकार कर दिया। दोनों देश दुनिया के कुल प्रदूषण का 1/4 से ज्यादा ही जिम्मेदार है प्रदूषण के लिए। ठीक है ना, तो 2007 को पारा प्रदूषण पर वैश्विक सहमति के लिए नैरोबी में बैठक हुई। इसमें यूएनईपी, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम के प्रशासनिक निदेशक ने पारा या मरकरी के प्रदूषण से होने वाली हानियों पर चिंता जताई और लोगों को इसके लिए आगाह भी किया, अगर ये प्रदूषण को नहीं रोका गया तो किस किस प्रकार की समस्याओं का सामना हमें भविष्य में करना पड़ सकता है, उन सभी बातों से आगाह किया। ठीक है, इस प्रकार से दोस्तों पांचों सम्मेलन हमारे हो जाते हैं क्लियर। अगर आपने बिना 1 मिनट भी इधर उधर ध्यान भटकाए, अगर कंप्लीटली इस लेक्चर को देखा है, तो मैं पूरी उम्मीद करता हूं कि पांचों सम्मेलन अब तक आपके दिमाग में स्टोर हो चुके हैं, अब आप इनको भूलेंगे नहीं। आपको पांचों सम्मेलन बहुत अच्छे से याद हो चुके हैं, कौन सा सम्मेलन कब और कहाँ और क्यों हुआ था, और कौन से सम्मेलन को प्रभावी बनाने के लिए कौन सी बैठक बुलाई गई। ठीक है ना, इस प्रकार से जो पूरी एक चेन थी सम्मेलनों की, इस पूरी चेन को हमने समझने का प्रयास किया है। अब निष्कर्ष अगर इसका निकाला जाए, तो निष्कर्ष में हम ये कह सकते हैं कि अंतरराष्ट्रीय पर्यावरण संरक्षण में ही विश्व मानव समाज का कल्याण निहित है। भाई पर्यावरण को संभाल लिया, पर्यावरण सुरक्षित होगा तो मानव समाज भी सुरक्षित होगा। पर्यावरण को अगर हम इसी प्रकार दूषित करते रहे तो मानव समाज का अस्तित्व बहुत जल्दी समाप्त हो जाएगा। मानव समाज और अधिक सांस इस पर्यावरण में नहीं ले पाएगी। हमें अपने स्वस्थ मनोशारीरिक विकास के लिए पर्यावरण संरक्षण के अंतरराष्ट्रीय क्षेत्रीय या राष्ट्रीय स्तर के सुझावों का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि पर्यावरण संरक्षण से ही मानव जीवन संरक्षित रह सकता है। अगर दोस्तों हम सोचे कि ये कार्य किसी सरकार का है या किसी देश का है या अंतरराष्ट्रीय स्तर का है, यूएन का है, तो ये सिर्फ एक बहाना हो सकता है और हम जो है एक लापरवाह हो जाएंगे पर्यावरण को लेकर के, क्योंकि पर्यावरण संरक्षण की जिम्मेदारी प्रत्येक देश के प्रत्येक नागरिक की है। प्रत्येक देश के प्रत्येक नागरिक अर्थात प्रत्येक व्यक्ति की जिम्मेदारी है कि वो पर्यावरण की रक्षा करे, पर्यावरण का संरक्षण प्रदान करे। अपने जीवन काल में ऐसे कार्य जरूर होना चाहिए जिससे पर्यावरण दूषित ना होकर के कुछ अच्छा हो जाए। ठीक
ठीक है ना, 100% प्रदूषण को तो हम किसी भी रूप से रोक नहीं सकते अब, क्योंकि मानव समाज इतनी विकसित हो चुकी है, इतना विकास कर चुकी है कि हम सोचे कि 100% प्रदूषण को खत्म करके वो पर्यावरण को पहले की तरह स्वस्थ बना दे तो संभव, ये संभव नहीं है अब। परंतु हाँ, इसके अतिक्रमण को या जो शोषण हम आज कर रहे हैं पर्यावरण का, उसको हम किसी प्रकार से रोक सकते हैं, उसको कम कर सकते हैं। अगर हम कम करने में भी सक्षम हो गए तो मानव समाज का अस्तित्व कुछ हजारों साल और आगे बढ़ जाएगा। चलिए मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट सेशन में। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से आपको अभी तक ये पूरा चैप्टर, पूरा कंसेप्ट समझ आ चुका होगा। नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे, और नेक्स्ट सेशन में हम बात करेंगे निःशस्त्रीकरण की। निःशस्त्रीकरण भी दोस्तों जैसे शब्द से ही आपको परिचित, जो शब्द से ही आप उसका अर्थ समझ पा रहे हैं, निःशस्त्रीकरण। तो शस्त्रीकरण को हटाना, शस्त्रीकरण को कम करना, शस्त्रों की संख्या कम करना ही निःशस्त्रीकरण है। और पूरा डिटेल से, पूरे विस्तार से हम समझेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। जल्दी होगा, जल्दी मिलेंगे दोस्तों। थोड़ी सी ये मिसप्रिंट है, यूनिट 2 नहीं है, यूनिट 5 है, ठीक है। निःशस्त्रीकरण पर हमारा जल्दी सेशन होगा, बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है, किसी भी प्रकार से दोस्तों मिस ना करें। अब तक आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इतना सपोर्ट करने के लिए। वो सभी लेक्चर दोस्तों अब टाइम पर चल रहे हैं। थर्ड ईयर, सेकेंड ईयर वालों के और फर्स्ट ईयर वालों से मैं अभी थोड़ी माफी चाहूंगा कि कंटिन्यू सेशन नहीं हो पा रहे फर्स्ट ईयर पे, चूंकि फर्स्ट ईयर में लगभग सब्जेक्ट, काफी सारे सब्जेक्ट हम कवर कर चुके हैं, काफी कंप्लीट हो चुके हैं। तो फर्स्ट ईयर वाले भी थोड़ा से निश्चिंत रहें, बहुत जल्दी उस पर लाइव सेशन आना प्रारंभ हो जाएगा। सबसे पहले लाइव सेशन हम फर्स्ट ईयर पे ही लेंगे, उसके बाद में फिर सेकेंड और थर्ड ईयर धीरे धीरे कंटिन्यू हो जाएगा, ठीक है। मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट सेशन में, तब तक आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार, थैंक यू।